हम हैं मलाड में। यह नजारा रस आवर्स यानी सुबह शाम का है। यह जगह जितनी ऐतिहासिक, खूबसूरत और विजिलेंट है, उतनी ही ट्रैफिक के मामले में फिसड्डी। पूरा मुंबई एक तरफ और मलाड की ट्रैफिक एक तरफ। इस जगह ने जितनी तेजी से विकास देखा, उतनी ही तेजी से यहां का ट्रैफिक बढ़ा। खासकर साल 2022 के बाद मलाड का कायाकल्प हुआ। मलाड इलाके में 11 लाख लोग रहते हैं, हजारों गाड़ियां हैं। रोड नेटवर्क 140 किलोमीटर का है। रोज सुबह और शाम के समय मलाड में 3 से 5 लाख गाड़ियां, बसेस और दूसरे वाहन सड़कों पर होते हैं। साथ ही कांदीवली और बोरीवली इलाके में जाने के लिए यहां से गुजरना जरूरी है। नतीजा आपके सामने। लिंक रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मारवे जंक्शन। दरअसल मलाड में 1-2 नहीं बल्कि 18 ऐसी सड़कें हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रैफिक जोन में हैं। एसवी रोड हाईवे, एके वैद्य मार्ग, दफ्तरी रोड, दत्त मंदिर रोड, हाजी बापू रोड, जैन मंदिर रोड, खोद कुआं रोड, कुरार विलेज रोड, मारवे रोड, नाहर नगर रोड, रामचंद्र लेन, रानी सती मार्ग, सर्विस रोड, लिंक रोड, जीजी महाल करी रोड, पठानवाड़ी रोड, GMLR। यह समस्या समय के साथ पनपी है। एक समय में जो इमारतें आइकॉनिक थीं, जो घर और दुकानें सड़क के किनारे पर थे, वो ट्रैफिक बढ़ने के बाद अड़चन बन गए। साथ ही गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन लगातार पनप रहे थे। वहीं आबादी और गाड़ी ये भी बढ़ रहे थे। नतीजा आपके सामने है। दहिसर से आने में मुझे आधा घंटे लगते हैं और मलाड स्टेशन से मालोनी आने को पौना घंटा, एक घंटा लग जाता है। इतनी ट्रैफिक होती है कि बहुत परेशान होना पड़ता है। मलाड की ट्रैफिक से बहुत परेशान हूँ मैं। आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। रास्ता तो 15 मिनट का है लेकिन कम से कम 1.5 घंटा चले जाता है। बहुत ट्रैफिक रहती है इधर का, कुछ कायाकल्प हो रहा ही नहीं है। लेकिन जब समस्या होती है तो उसका हल भी होता ही है। अब की बार लोगों की मदद के लिए सामने आई मुंबई महानगर पालिका। दरअसल मामला सिर्फ ट्रैफिक का नहीं रहा बल्कि पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की कार्यक्षमता का भी है। ये सारे विभाग मुंबई महानगर पालिका के हैं, इसलिए जो पूरे मुंबई में नहीं हुआ वो मलाड में हुआ। मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने एक्शन प्लान बनाया। ये प्लान भी ऐसा जिसमें सिर्फ चुनौतियां। मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने सबसे पहले बॉम्बे IIT के पास से ट्रैफिक समस्या और उससे हो रहे नुकसान और साथ ही एक्शन प्लान पर रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट के अनुसार मलाड की कई सड़कों पर बोटल नेक बन चुके हैं। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन ने मलाड के जंक्शन को जाम कर रखा था। मुंबई महानगर पालिका ने एक बड़ी लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने ट्रैफिक में अड़चन बनने वाले 730 स्ट्रक्चर को नोटिस जारी किया। कुल 730 स्ट्रक्चर तोड़े गए जिसमें 594 कमर्शियल और 136 रेसिडेंट हैं। ये कार्यवाही से 3 किलोमीटर की सड़क खाली हुई। सर्वे के माध्यम से गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसका आंकड़ा 970 जितना बड़ा था। इस सूची में मलाड स्टेशन के सामने मौजूद MM मिठाई वाला जैसी कई दुकानें शामिल हैं। सालों तक कागजी कार्यवाही करने के बाद 3,088 जितने लोगों को प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल की सूची में शामिल कर उन्हें नया घर दिया गया। वहीं कुल 12 करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रॉपर्टियां दी गईं। सबसे ज्यादा कड़ी कार्यवाही ये थी कि ट्रैफिक में अड़चन रूप
ऐसे मैक्सेंस और शांति विला बिल्डिंग्स को आधा काटा गया। जुगल किशोर बिल्डिंग, पुलिस क्वार्टर्स, दरगाह रोड की दुकानें, दारू वाला कंपाउंड जो कि 100 साल से अधिक पुराने थे, उन्हें पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। 12 बोटल नेक जगहों का नया लैंडस्केपिंग हुआ जिससे ट्रैफिक आसानी से गुजर पाए। मुंबई में कई जगहों पर जन सुविधा के लिए कार्यवाही होती रही, लेकिन पी नॉर्थ वार्ड की कार्यवाही बेमिसाल है। ये कार्यवाही इस बात की गवाह है कि लोगों की सुविधा के लिए पालिका कर्तव्यबद्ध, कृतनिश्चयी और जागरूक है। पालिका की कार्यवाही की वजह से अब मलाड में ट्रेवल टाइम 25% कम हुआ। हर वाहन की 5 मिनट ट्रैवलिंग टाइम कम हुई, यानी 5 लाख वाहनों का रोजाना 25 लाख मिनट ट्रैवल टाइम कम हुआ। देश का ईंधन बचा और पर्यावरण का लाभ भी हुआ, और नतीजा आपके सामने है, खुद देख लीजिए। सहूलियत का काम हो गया। जो हमारा जो मालवीय रोड था, वहाँ पे जो मालोनी चर्च का एक इलाका था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन और ट्रैफिक होता था, और जिसके वजह से ना हमको घंटों घंटों का जो सफ़र है वो और कई ज़्यादा घंटे लगने लगते थे। बंट जाने के लिए कभी कभी 2-2 घंटा लग जाता था, लेकिन वो जब से वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हटाए गए, जो दीवारों को साइड में किया गया, उसकी वजह से ट्रैफिक का स्मूथ काफ़ी हो गया और हमारा लगभग आधे से 1.5 घंटे की बचत हो गई मठ पहुँचने के लिए। और लगभग इसी तरीके से मुझे लगता है मलाड में काफ़ी अच्छे काम और भी हुए। SV रोड को भी काफ़ी चौड़ा करने का काम किया गया, जिससे मुझे लगता है मालोनी के और जितने मलाड के एरिए में आने जाने सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ, कारोबारी लोगों को भी बहुत फायदा हुआ, जिससे उनका ट्रांसपोर्ट का टाइम बहुत बच गया। पहले जब हम मलाड स्टेशन पे उतरते थे तब बहुत क्राउड होता था, अभी थोड़ा बदलाव हुआ है तो ट्रैफिक कम हो गया है। मलाड स्टेशन पे जब उतरते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि ट्रैफिक कम हुआ है। हाँ, पहले से बहुत ट्रैफिक कम हुई है मलाड में, ऐसा मतलब कभी मालूम पड़ता नहीं था करके ट्रैफिक कम होगी, लेकिन अभी पहले से बहुत बदलाव आया है, ट्रैफिक कम है मलाड में। मैं मालवनी में रहता हूँ और मेरा कॉलेज SV रोड पे, तो वहाँ से आने में मुझे 1/2 घंटा लगता था पहले, बट अभी SV रोड की ट्रैफिक बहुत कम हो गई है तो मुझे आने में इजी पड़ता है। अब मुंबई वासियों को एंक्रोचमेंट फ्री 7 एकड़ का वैदिक पार्क मिलने जा रहा है, जहाँ गैर कानूनी व्यापार का अड्डा बन चुका था। ये मैदान माड़वली कब्रिस्तान के सामने है। वही मुत्तुमारी नगर इलाके में 6,000 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त भी कराया गया है। बाढ़ डोंगरी रोड पर करीब 27 कमर्शियल और निवासियों को खाली कराया गया, जिससे लोगों की सुविधा बढ़ी।